हेलो दोस्तों, क्वेस्ट फॉर एडुकेशन चैनल की तरफ से मैं भोलानंद महतो आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आज हम 10 मेंटल एबिलिटी का सवाल लेके आए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आप लोग को ये एक चीज़ याद देना चाह रहे हैं जो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। निर्देश: प्रश्न संख्या 1 से 5 तक निम्नलिखित प्रश्नों में एक समस्या आकृति तथा 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। समस्या आकृति में कटे हुए टुकड़े से बनी उत्तर आकृति को चुनिए। तो दोस्तों, ये जो कटा हुआ टुकड़ा है समस्या आकृति का, इसको मिला के जो उत्तर आकृति बनेंगे उसको चुनना है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम अच्छे से ये यहाँ पर 4 टुकड़ा है तो पहले हम देखेंगे 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 टुकड़ा है तो ए आंसर नहीं होगा। फिर हम दूसरे तरफ देखते हैं तो एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है, एक कुछ ऐसा भाग का टुकड़ा है, ये दोनों, एक छोटा का एक बड़ा, लगभग एक देखने में एक जैसा ही है थोड़ा ही करके, लेकिन एक बड़ा है एक छोटा है, एक ट्रायंगल है। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं 2 ट्रायंगल है, 2 एक जैसा है, तो ये भी नहीं होगा आंसर, क्योंकि 2 ट्रायंगल मेरा नहीं है, 2 एक ऐसा चित्र है लेकिन ये 2 है यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर भी देखते हैं 2 ट्रायंगल है एक जैसा, लेकिन ट्रायंगल यहाँ पर मेरा 1 है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। अब दोस्तों डी में आते हैं, ये ट्रायंगल नीचे आ गया, ये भाग यहाँ पर मिल गया, ये स्क्वायर यहाँ पर मिल गया, ये यहाँ पर मिल गया, तो डी आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है और एक ऐसा शेप है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है, अरे ऐसे लगभग शेप है, लेकिन ये सब देखने में उससे छोटा लग रहा है। हम नेक्स्ट सवाल में भी देखते हैं जैसा मिला के नहीं हमको। यहाँ पर देख दोस्तों देख रहे हैं ये ट्रायंगल बहुत ही छोटा सा है, इसका ये बहुत लंबा है लेकिन ये छोटा है, इसलिए ए नहीं आंसर होगा। बी में आते हैं, एक रेक्टेंगल है, एक ऐसा चित्र यहाँ पर बैठा दिए, एक ट्रायंगल भी ऐसा है, तो बी मेरा आंसर हो सकता है। अब दोस्तों हम सी डी को भी देखेंगे जिसमें हो रहा है कि नहीं, जिसमें 2 एक जैसा ट्रायंगल है, तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल है या नहीं है, तो सी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों एक ऐसा ट्रायंगल है जो भी इस चित्र में मेरा नहीं है, तो डी भी नहीं होगा, तो बी परफेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट सवाल, 3 नंबर। एक ट्रायंगल है, एक ऐसा चित्र, एक ऐसा चित्र, 3 चित्र। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, एक ऐसा चित्र, एक, तो ये आंसर हो सकता है, सेम जैसा लग रहा है, एक ट्रायंगल, एक ये और ये यहाँ पर आ जा रहा है, लेकिन हम बाकी आंसर को चेक करेंगे। यहाँ पर एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर कहीं पर नहीं है, तो बी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ 2 चित्र एक जैसा है और ये थोड़ा अलग है, ये चित्र कहीं पर मेरा यहाँ पर ट्रायंगल नहीं है, तो ट्रायंगल यहाँ पर भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी ट्रायंगल नहीं है, तो ये डी भी नहीं होगा, तो ये आंसर है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सवाल, 4 नंबर सवाल। एक वृत्त का कटा हुआ सर्कल का आधा भाग है, एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है। यहाँ पर एक सर्कल का कटा हुआ टुकड़ा है, एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है। यहाँ पर भी देखते हैं कटा हुआ टुकड़ा, एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल। यहाँ पर 2 ट्रायंगल है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये भी एक सर्कल का आधा भाग है, एक स्क्वायर तो नहीं बोल सकते, रेक्टेंगल है, तो ये आंसर नहीं होगा। अभी ये दोनों से आंसर होगा। इसमें देखते हैं दोस्तों, ये अगर देखते हैं थोड़ा रेक्टेंगल टाइप का है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो यही आंसर होगा, क्योंकि इसको अगर लेते हैं तो थोड़ा इधर बड़ा लग रहा, तो ये भी आंसर होगा, ये नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, समस्या आकृति। एक ट्रायंगल है, इधर भी एक ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल है, बीच में एक दागी देके कटा हुआ है, तो ये ट्रायंगल को 4 को एक साथ कर देते हैं। इसको देखिए, ये ट्रायंगल है नहीं, यहाँ पर अगर ट्रायंगल कहते हैं 4 ट्रायंगल नहीं हो रहा, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल नहीं हो रहा, तो ए नहीं होगा आंसर। बी में भी ये नहीं आ रहा। सी में देखते हैं तो यहाँ से दोस्तों एक ट्रायंगल, यहाँ से एक ट्रायंगल, यहाँ से एक ट्रायंगल, यहाँ से एक ट्रायंगल, यहाँ पर 4 ट्रायंगल, 2 स्क्वायर है, तो ये भी नहीं होगा, तो सी आंसर होगा। निर्देश: प्रश्न संख्या 6 से 10 निम्नलिखित प्रश्न में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति निहित है। यहाँ पर 6 नंबर सवाल दोस्तों, 6 नंबर सवाल में दोस्तों ऐसे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऐसे। दोस्तों अगर हम पूरा उत्तर आकृति देखते हैं तो ए थोड़ा
ज़्यादा पिक्चराइज लग रहा है हमको। तो ए को अगर हम ए में अच्छा तरफ से ढूंढते हैं तो देखिए यहाँ से ये शुरू होता है, ऊपर तरफ यहाँ पर गया, नीचे आया, यहाँ पर आया, तो ये आकृति ए में है। बी में देखते हैं तो बी में नहीं है, कहीं पर भी ऐसा नहीं आ रहा, ये क्रॉस। तो सी में देखते हैं तो ये क्रॉस है, लेकिन ये सीधा आधा बन के सीधा है, यहाँ पर नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर गोल हो गया, तो इसमें भी कहीं पर नहीं है, तो डी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, सिर्फ ए में है, तो ए ही आंसर होगा। 7 नंबर सवाल देखते हैं, एक दो दागी, इसका पीछे ऐसे करके सिंबल। दोस्तों यहाँ पर दो दागी है लेकिन एक सर्कल जैसा सिंबल है, यहाँ पर भी सर्कल, टी में भी सर्कल, सिर्फ सी में अलग है, तो सी में ये परफेक्ट है, सी में देखते हैं ये दोनों दागी, ये तो सी आंसर होगा। आते हैं 8 नंबर सवाल, दोस्तों एक बॉक्स है, इसको इस सर्कल की तरफ से देखिए तो इसको अगर सीधा करते हैं हम, अगर पूरा स्क्वायर करते हैं तो ये भाग थोड़ा अंदर है, इसको देखते हैं दोस्तों, इसमें भी नहीं हुआ। दोस्तों इसमें देखते हैं तो एक साइड है, एक साइड नहीं है, एक साइड भरा हुआ, ये थोड़ा सा अगर ऐसा करके रहता ये ऐसा वक्त ये आंसर बन जाता। इसमें भी देखते हैं दोस्तों, इसमें भी वो चित्र नहीं है। डी में देखते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, यहाँ तक लेते हैं, तो डी में अगर हम ऐसे लेते हैं तो डी में ये चित्र बना हुआ है, तो डी आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल 9 में, एक सीधा दागी ऐसे गोल। तो दोस्तों एक सीधा दागी ऐसे करके गोल के सीधा नीचे आया, तो ए में ये चित्र है रखा हुआ। अब बी में भी हम टेस्ट करके देखते हैं, इधर नहीं है कहीं पर बीच में ऐसा, यहाँ पर है इस सर्कल जैसा, लेकिन ये बहुत बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा, इसमें तो बीच में है ये नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो ए आंसर है। आते हैं 10 नंबर सवाल, दो दागी है एल जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखते हैं तो ये नहीं है, तो ए नहीं होगा आंसर। आते हैं बी, बी ये पूरा ही मिरर है तो बी हो सकता है। सी में देखते हैं तो नीचे ऐसा दागी नहीं है, तो सी भी नहीं होगा। डी में भी तो देख रहे हैं ऐसे, तो ये क्रॉस है, तो ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ बी में ये है, तो बी आंसर होगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता आप लोग को तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।